हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में स्लो प्रोटेक्शन का काम किस तरह से किया जाता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और यहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और ये काम किस तरह से किया जा रहा है उसको आज मैं इस वीडियो में पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 की अपडेट भी दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। आप यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक साइड का कैरिजवे देख पा रहे होंगे। कैरिजवे के एंड होने के बाद में एक स्लोप मेंटेन किया जाता है और स्लोप में यहाँ पर आप ग्रासेस देख पा रहे होंगे। इसे किस तरह से उगाया जाता है और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है उसको मैं आज पूरा इस वीडियो में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इन ग्रासेस को या स्लोप प्रोटेक्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सॉयल का कटिंग या फीलिंग करना होता है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से एम्बेटमेंट सॉयल का फीलिंग किया गया है। उसके बाद यहां पर PQC से किस तरह से स्लोप मेंटेन किया गया है। यहां पर स्लोप 1/2 का है। इस स्लोप को लेयर बाय लेयर एम्बेटमेंट में मेंटेन किया जाता है और इसे किस तरह से मेंटेन किया जाता है उसको मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगा। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं एम्बेटमेंट के फीलिंग हो जाने के बाद स्लोप को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। स्लोप मेंटेन और उसको प्रोटेक्शन करने का मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर सॉइल इरोजन को रोका जा सके। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से रोलिंग किया जा रहा है ताकि यहां पर सॉइल का इरोजन या कटाव ना हो। तेज़ बारिश में स्लोप में मिट्टी के कटाव के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए यहां पर स्लोप प्रोटेक्शन किया जा रहा है। चलिए अभी यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से रोलिंग किया जा रहा है। रोलिंग हो जाने के बाद में यहां पर किस तरह से आगे इसको स्लोप को डेवलप किया जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं 1/2 का स्लोप दिया गया है। 1/2 के स्लोप को किस तरह से मेंटेन किया जाता है उसे भी और उसे किस तरह से मेजर किया जाता है उसे भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं एक्सेवेटर द्वारा टॉप और बॉटम दोनों ही जगहों पर रोलिंग करके स्लोप को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। स्लोप को अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि कटाव कम से कम हो और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशनल मेथड जैसे स्टोन मैशनरी या फिर स्टोन पिचिंग का यूज़ किया जाता था, पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में नए मेथड और अल्टरनेटिव मेथड का यूज़ किया गया है जो ज़्यादा इकोनॉमिकल और इफ़ेक्टिव भी हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यूस देख सकते हैं स्लोप रोलिंग का काम और स्लोप कॉम्पैक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर स्लोप प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशनल मेथड को छोड़कर वेजिटिव टर्फिंग का यूज़ किया जा रहा है और इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है फील्ड में चलिए देखते हैं। आप यहां पर जूट का नेट देख सकते हैं। ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। इसे आप देख सकते हैं किस तरह से रोलिंग करके स्लोप पर अप्लाई किया जा रहा है। जूट नेटिंग को कंटिन्यूस स्लोप पे अप्लाई किया जाता है और इसे एक के ऊपर एक ओवरलैप 5 cm to 8 cm का ओवरलैप किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से कंटिन्यूस जूट नेटिंग को अप्लाई कर दिया गया है स्लोप पर। इसके बाद यहां पर जूट नेटिंग को किस तरह से स्लोप पर स्टेबल रखा जाता है उसके लिए यहां पर 15 cm के पैग का यूज़ किया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं प्लास्टिक का ये पैग है, इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है चलिए अभी देखते हैं कि इसे किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से प्लास्टिक के पैक का यूज़ किया जा रहा है जूट नेटिंग को स्टेबल रखने के लिए स्लोप पर। इन पैक को 1-1 मीटर पर कंटिन्यूस जूट नेटिंग में लगाया जाता है। यहां पर जूट नेटिंग को क्यों यूज़ किया जा रहा है और उसका क्या पर्पज़ है इसको भी जान लेते हैं। ये फर्स्टली इरोजन को रोकता है। जूट नेटिंग वाटर एब्जॉर्प्शन जो बरसात का पानी आएगा उसको 4 times ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। और इसमें किस तरह से वेजिटेशन को अप्लाई किया जाता है उसको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से कंटिन्यूस जूट नेटिंग को अप्लाई कर दिया गया है। और जूट नेट एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। इसका लाइफ स्पान 1 to 2 years का लाइफ स्पान होता है। ये ऑटोमेटिकली 1 to 2 years में बायोडिग्रेडेबल होकर सॉइल में न्यूट्रिशन की तरह मिल जाता है।
जूट नेटिंग कम्प्लीटली स्लोप में अप्लाई हो जाने के बाद में यहाँ पर स्पेशल टाइप के ग्रास का यूज़ किया जाता है। इस ग्रास का नाम है विटिवर ग्रास। ये स्पेशल टाइप का ग्रास इसलिए है, ये क्ले, सैंडी, सिल्टी और ग्रेवल मटेरियल कहीं भी कंडीशन में उगाया जा सकता है। ये लीस्ट इरोडेबल से हाईली इरोडेबल सॉइल में यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ से लेकर कम से कम उपजाऊ सॉइल में इस ग्रास को उगाया जा सकता है। ये ग्रास 300 mm एनुअल रेनफॉल से लेकर 6000 mm एनुअल रेनफॉल और -14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सस्टेन करती है और यह 6 महीना अगर सूखा भी पड़ जाता है तब भी ये ग्रास सस्टेन कर सकती है। इसलिए इस तरह के ग्रास का यूज़ किया जाता है और इसकी बुआई का तरीका भी आसान है। इसे राइस प्लांटेशन की तरह ही लगाया जाता है। वेटेवर ग्रास लगने के साथ साथ ही वेजिटेटिव टर्फिंग जो स्लोप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है ये मेथड है, उसका काम समाप्त हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजरिंग टेप द्वारा नाप कर स्लोप को चेक किया जा रहा है। स्लोप 1/2 के अकॉर्डिंग दिया गया है या नहीं दिया गया है उसे चेक किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर स्लोप किस तरह से दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं OGL सबसे फर्स्ट आपको OGL प्रोवाइड होता है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, जो मैंने यहाँ पर 300 मीटर लिया है, 300 mm नहीं मीटर। ड्राइंग में आपको OGL के साथ FRL दिया जाता है, फिनिश रोड लेवल। ये लेवल आपके रोड का टॉप लेवल होता है। मैंने यहाँ पर दोनों लेवल सपोज किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं FRL में से OGL माइनस करने पर 5 मीटर आया है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा 5 मीटर के अंदर एम्बेकमेंट का लेयर और क्रस्ट और साथ ही साथ सबग्रेड भी आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं OGL के बाद में लेयर बाय लेयर एम्बेकमेंट का लेयर फिल किया जाता है। आपको यहाँ पर एम्बेकमेंट की लेयर बनाते समय साथ ही साथ स्लोप का ध्यान रखना होता है, स्लोप मेंटेन करते हुए चलना होता है। स्लोप जो भी ड्राइंग में प्रोवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पर 1/2 का स्लोप मैंने लिया है, आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये 4 वैल्यू फिक्स होता है, PQC, DLC, GSB और सबग्रेड का वैल्यू फिक्स होता है। उसके बाद में जो भी लेयर आएगा वो आपका एम्बेकमेंट का लेयर होगा और एम्बेकमेंट का लेयर 200 to 250 mm का एक लेयर होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर PQC 300 mm, DLC 150 mm, GSB 150 mm और सबग्रेड 500 mm है। उसके बाद में जो भी लेयर आएगा वो आपका एम्बेकमेंट का लेयर होगा। यहाँ पर FRL मैंने सपोज करके 305 मीटर लिया है। OGL में से FRL माइनस करने के बाद आपका हाइट, टोटल हाइट जो आएगा वो 5 मीटर का हाइट आएगा, तो वर्टिकल आपका 5 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 का स्लोप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका हाइट आ गया है 5 मीटर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर 5 × 2 कर देंगे तो आपका जो विड्थ एक्सटेंशन होगा वो 10 मीटर आ जाएगा। 5 × 2 करने पर 10 मीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सिंपल पाइथागोरस की थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, जो कि आपका स्लोप होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्लोप है वो 11.18 मीटर आ रहा है। इसे आप फील्ड में चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर स्लोप सही आता है तो आपके यहाँ पर मिट्टी के कटाव के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्लोप मेंटेन और उसका प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। अगर आपका कैरिजवे का विड्थ 21.25 मीटर है तो बॉटम में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस हाइट यहाँ पर आपका 31.25 आपको उसका विड्थ बॉटम में ले कर चलना होगा, तब जाकर आप 1/2 का स्लोप ऊपर तक मेंटेन कर पाएंगे। स्लोप प्रोटेक्शन के इस मेथड का यूज़ कुछ कंडीशन देख कर यूज़ किया जाता है, और वो कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले फील्ड का स्टडी किया जाता है, रेनफॉल का इंटेंसिटी देखा जाता है, लैंडस्लाइड का एरिया इफेक्टेड तो नहीं है वह भी चीज़ को नोट किया जाता है, साथ ही साथ स्लोप अगर हाइट 6 मीटर से अबव है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हुए बिलो 6 मीटर की हाइट पर इस तरह के स्लोप प्रोटेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि 6 मीटर से अबव हाइट पर किस तरह से स्लोप प्रोटेक्शन किया जाता है। ये मेथड कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ ही लो मेंटेनेंस होता है। इसमें सिर्फ एक साल में एक बार कटिंग किया जाता है, वो भी ज़रूरत पड़ने पर, और साथ ही साथ ये हाईवे के एस्थेटिक लुक को भी बढ़ाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6 मीटर से अबाव हाइट पर किस तरह से स्लोप प्रोटेक्शन का काम किया जाता है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है या आप मेरे को सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।